नाम विजय कुमार सेठी है, एक्सकॉम में काम कर रहे हैं, श्रीटेक्न का अंडर में। तो यहीं पे 60-65 मजदूर है। हम लोग का लॉकडाउन से हम लोग बैठा हुआ है। लॉकडाउन बाद में कंपनी बोल रहा है कि काम करो, हम लोग बोले हमारा पुराना पेमेंट दे दो। अभी पेमेंट का कोई डिसाइड नहीं हो रहा है। आजकल घुमा घुमा कर जा रहे हैं। ऐसे भी आदमी लोगों को 4 महीना 3 महीने का कुछ का 2 महीने का भी पेमेंट मिला नहीं अभी तक। और जो आदमी पहले से लॉकडाउन से पहले घर चला गया, उन लोगों का पेमेंट भी मिला नहीं अभी तक। बीच में हम लोग राशन भी नहीं दे रहा था। हम लोग उसके लिए 2-3 दिन भी बोले कोई सुना नहीं। लास्ट में हम लोग रोड में उतरे तो राशन आया, राशन दे के साइलेंट भी है। अभी 15 दिन 18 दिन हो गया राशन, हम लोग बाहर निकले हुआ। बाद में अभी पेमेंट भी अभी तक मिला नहीं है। पहले दोबारा हम लोग बाहर में निकले पेमेंट के लिए। मैं पंजाब तो बिलोंग करता हूँ सर। एपकॉन कंपनी काम करते हैं सर। कितने दिन सर हो गए सके पेमेंट तो परेशान सी, कंप्लेन भी की। कंपनी ने कहते अं पेमेंट दे चुके हैं सर, पर ठेकेदार कहते पेमेंट नहीं है, कोई पैसा नहीं दिता सर। हम मतलब कि फसा के रखा आ जनवरी दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, सर अभी तक कोई पैसा नहीं सूँ मिले है। जो सूँ पैसा दे काम कर ली तैयार, जे नहीं काम करवा सूँ पैसा दें घर जाए जी अपना। हम यार यहाँ पे काम करते हो लमसम साल भर हो गया। साल भर के अंदर पहले तो ठीक था, मगर अभी 4 महीने से पेमेंट नहीं मिल रहा हमारा। दिसंबर जनवरी मार्च कोई भी पेमेंट नहीं दिया जा रहा है हमारे परिवार का। पथरी है, पथरी की बीमारी। हमारा परिवार बिल्कुल परेशान है। हमारे यहाँ पे पेमेंट नहीं मिल रहा है। हमारे 4 बच्चे हैं, वो भी छोटे छोटे हैं। हम उनको कैसे पालेंगे? ना हमारा घर है ना जमीन है। सरकारी जमीन में झोपड़ी डालकर रहते हैं सर। दिसंबर जनवरी मार्च इधर का जो है लॉकडाउन का, एक भी पैसा नहीं मिला है सर हम लोग को।